यदि आप में टैलेंट और कुछ कर गुजरने का जुनून है तो शिक्षा की कमी या सामाजिक बाधाएं भी आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी, यह सिद्ध कर दिखाया है जावरा के सामान्य परिवार की सितारा शाह ने। अहमदाबाद VPR ग्रुप के द्वारा आयोजित मिसेज इंडिया 2020 कंपटीशन में 29 वर्षीय सितारा देश भर की महिलाओं को छोड़ते हुए मिसेज रैंप वॉक में सितारा शाह ने सफलता पाई। पति फोर व्हीलर ड्राइवर है। सितारा कहती है, पति के सपोर्ट से आज यहां तक पहुंची हूं। नियमित योग करती हूं। मेरी 3 बेटियां हैं। घरेलू कामकाज के साथ पार्लर चलाती हूं। सुबह 6 से 7 बजे तक योगा, उसके बाद जिम भी जाती हूं। इसीलिए फिट हूं और मैं चाहती हूं कि समाज व देश की हर महिला फिट रहे। हमारी शादी 1999 में हुई थी। सितारा का मायका नीमच में है, जावरा में खटिकपुरा में रहती है। शादी के बाद घर में काम का ज़्यादा होने से 8वीं के बाद पढ़ाई छूट गई, फिर भी ब्यूटिशियन कोर्स का और घर ही पार्लर खोलकर चला रही हूँ। महीने पहले प्रीत मीना श्री कौशल ने बताया कि अहमदाबाद में मिसेज इंडिया 2020 कंपटीशन हो रहा है, इसमें जाने की इच्छा जताई, लेकिन समाज और परिवार राजी नहीं था। आखिर पति जाहिद ने सपोर्ट किया। टैलेंट राउंड हुआ, मुझे डांस आता है। मैं बोली डांस का वीडियो लेकर वहां प्रेजेंटेशन के बाद अंग्रेजी कमजोर होने से ज़्यादा बोल नहीं पाई, लेकिन कैट वॉक रैंप वॉक में 100 में से 100 नंबर मिले। 5 इंच ऊँची हील पहनकर कैट वॉक संभव नहीं, लेकिन मैंने बखूबी किया। मैं 8वीं पास हूँ, अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। कुछ पूछा तो मैंने कहा आप हिंदी में पूछें। फिर मैंने अपने मन की बात कही कि कई महिला शिक्षा और समाज में पिछड़ जाती है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। समाज महिलाओं को मौका दे जिसमें टैलेंट हो। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। जाहिद साहब, आपकी पत्नी ने इतनी बड़ी जो पुरस्कार जीत के आए हैं, क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत खुशी और गर्व की बात है कि इतने बड़े प्रोग्राम में हिस्सा ले गई और जौहरा का नाम रोशन करा और जीत के आई। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान से जीत के आना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है, क्योंकि हर इंसान पूरी इंडिया से शो था और इस कॉम्पिटिशन में जो जीत के आई ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैं बता नहीं सकती, मैं जाहिर नहीं कर पा रही मुझे कितनी खुशी मिली है। कैसे आपने इतना बड़ा जो लक्ष्य आपके सामने रखा हुआ था, तो आपने किसे इसे हासिल किया है, बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब इस सारा जो भी है जितना भी है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मुझे चीज़ के बारे में पता चला ना, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम एक मॉमडर्न फैमिली से है और ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। इन्होंने बोला तुझे जो सही लगे वो तुम करो, मैं क्या बोलूं। फिर मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ जाके, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ इंटरव्यू दिया। मुझे लगा कि अभी आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। 3 दिन बाद पता चला कि हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर सिलेक्शन होने के बाद 5 मिनट उन लोगों ने दिए हमें, 5 मिनट तक आप प्रैक्टिस करो सारी चीज़ें, मतलब फिटनेस के हिसाब से ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम फाइनल में आ गए अहमदाबाद। ये इतनी बड़ी जो सफलता आपको जो मिली है, इसके पीछे आप ये पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे, किसका सहयोग रहा आपको इसमें? मेरी फ्रेंड माही श्रीमाल को देना चाहूँगी मैं, और मेरे हस्बैंड और मोहम्मद इरफान जो इनके फ्रेंड हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट करा है। और ज़्यादा सफलता मेरी जो मिली या जिस मंच पे मैं पहुँचूँ, ये सारा क्रेडिट मेरी फ्रेंड को जाता है। प्रदेश और देशवासियों की जो बेटियां हैं जो कर गुजरने का जो हौसला रखती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में जब किसी चीज़ को अपने को पाने की उमंग रहे तो उसको हासिल करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो सब चीज़ में चलता है। परिवार की जो परेशानी आती है उसको कैसे निपटा जाए? वो फिर ऊपर वाला देता ना साथ। आपने जो निपटी है तो मतलब वो मैंने तो कैसे निपटी, क्योंकि मेरा सारा सहयोग मैं ज़्यादा मामू साहब को और गरी नवाज को मानती हूँ, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब जब भी कुछ मांगती हूँ खाली हाथ नहीं आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।